अबे उनकी क्या उपलब्धि है वो बता दें। हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चलाने के अलावे राजद की क्या उपलब्धि रही? आज चोर दरवाजा से आकर के उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी 18 साल शासन में रहे, क्यों नहीं इन गरीबों के लिए, इस दलित पिछड़े कमजोर तबका के लिए आज इसमें विद्यालय। आजादी के इतने वर्षों तक और उनकी मौजूदगी में 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, माता पिता दोनों, माता और पुत्र दोनों उस सत्ता के बागडोर की कमान को संभाले हुए थे। किसने रोका था? सत्ता में आने की बेचैनी, हर समझौता और लोगों को भटकाने का, लटकाने का जो खेल खेल रहे हैं, जनता सब देख रही है, जनता इसकी जवाब देगी। सर, ये जो जिस तरीके से लालू जी का ट्वीट है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? काफी हमला किया है आप लोगों पर, जो लोग जो हैं इसके विरोधी हैं, सामाजिक समानता को लेकर, समानुपातिक समानता का, वही ये सबसे बड़ा विरोधी श्रीमान लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नाम पर जीत करके आए और 15 साल उनको शासन में रहने का मौका मिला, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या किया? नरसंहार के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है? चरवाहा विद्यालय के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है वो बता दें। हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चलाने के अलावे राजद की क्या उपलब्धि रही? आज चोर दरवाजा से आकर के उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी 18 साल शासन में रहे, क्यों नहीं इन गरीबों के लिए, इस दलित पिछड़े कमजोर तबका के लिए आज इसमें विद्यालय की व्यवस्था सुधरती तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में गरीब के लोग जाते हैं। कल ही हम लोग PMCH में गए हैं, तीन दिन का बच्चा बरांडा पर बैठा हुआ, किस तरह से अराजकता का वातावरण है। एक नूर मोहम्मद किस तरह के दवा के लिए भटक रहा था, डेंगू के मरीज में किस तरह से गंदगी और वातावरण दूषित है। आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इसमें कौन सी गन्ना की जरूरत थी? 33 वर्ष में इसको ठीक क्यों नहीं किया? और मैं तो जातीय गन्ना के पूर्णतः पक्षधर हूँ। हम लोगों ने तो चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, कल्याण हो, उसके नाम पर सत्ता की राजनीति प्राप्त करने का नौटंकी और खेल बंद हो। आप लोग बैठक कर रहे हैं, लगता है कि एक तरीके से जो उम्मीदवारों का चयन है या फिर जो स्क्रूटनी करनी है, उस प्रक्रिया में आप लोग आगे बढ़ गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं नहीं, ये हम लोग का संगठनात्मक समीक्षा होती है। संगठनात्मक समीक्षा में अपने संगठन का कई जो कार्यक्रम चला है, उस कार्यक्रम की भी समीक्षा होती है। इसमें अभी वो उस तरह का नहीं, हमारा ये रेगुलर बैठक चलते रहती है, लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम होता है। भीम संसद रथ को नीतीश कुमार ने रवाना किया है संविधान बचाने के लिए और दलितों के अधिकार बचाने के लिए, 5 तारीख को रैली भी करेंगे वेटनरी ग्राउंड पर। जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, जो संवैधानिक पद पर बैठ करके भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करे, जो संवैधानिक संस्था का न सम्मान करे, न संविधान में विश्वास रखे, वो संविधान बचाने की बात कर रहे। आज अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता में भागीदारी कर रहा है, हर विभाग के अंदर अराजकता का वातावरण है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बजाय ये लोग सत्ता के लिए नौटंकी कर रहे हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। इनको उन्माद फैलाना, लोगों को लड़ाना, बरगलाना और सत्ता प्राप्त करना, बस यही मिशन और विजन है।